जादुई छतरी। चुन्नू अपने माँ बाप के साथ वर्षापुर नाम के गांव में रहता है। उसके पापा एक गरीब मजदूर थे। जमींदारों के यहाँ से जो मजदूरी मिलती थी उसमें जैसा तैसा रोज का खर्चा चला पाते थे। ऐसे में अगर कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसे लगता जैसे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हर साल की तरह इस साल भी बारिश शुरू हो गई थी। चुन्नू बिना छतरी के जैसे तैसे स्कूल पहुंचा तो लेट हो गया। उसे देखते ही टीचर ने कहा, चुन्नू वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे, बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लेकर आया करो। टीचर जी वो टीचर छतरी होगी तो लाएगा ना। हर साल कहता है अगले साल छतरी लेकर आऊंगा और लाता नहीं है, कंजूस कहीं का। चुन्नू तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते? टीचर जी मेरे पास छतरी नहीं है। तो पापा से कहो हाट से खरीद लाए। ये देखो, ये देख, मेरे बापू ने ये छतरी लेकर दी है। देखो चुन्नू, मैं तुम्हें इस तरह भीगा हुआ क्लास में बैठने नहीं दे सकती। पूरी क्लास गंदी हो जाती है। तुम घर जाओ, कल आना या वहीं खड़े रहकर सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और चुन्नू पूरे दिन उसी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़ा टीचर को देखता रहा। वो क्या पढ़ा रही थी सुनता रहा। दूसरे दिन उसने सोचा बारिश शुरू होने से पहले ही वो स्कूल चला जाएगा। मगर जैसे ही वो निकलने लगा अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश तो जोरों से शुरू हो गई। बापू मुझे छतरी लेकर दो ना। लेकर दूंगा बेटा, जल्दी ही लेकर दूंगा। हर साल आप यही कहते हो, फिर मेरा बेटा पूरे साल बारिश से बच बच कर जाता है, पढ़ता है और फिर दूसरे साल वही समस्या। क्या करूं फुलवा, पूरे साल तो मेहनत करता हूं पर इतना कमा ही नहीं पाता कि दो वक्त की रोटी के सिवा भी कुछ जुटा सकूं। माफ करना चुन्नू बेटा, मैं तेरे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं ले पा रहा हूँ। दुखी मत होइए बापू, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे चला जाएगा, बारिश? माँ मैं पेड़ के नीचे नीचे से होता हुआ बचता बचता स्कूल तक पहुँच जाऊंगा। बाय अम्मा बापू। अरे लेकिन चुन्नू बारिश से बचता हुआ भागकर एक पेड़ के नीचे पहुँचता है। कुछ देर वेट करता है मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ देर ऊपर की तरफ देखता है, आसमान पूरी तरह काला है। ओह बादल तो बहुत गिरे हुए हैं। लगता है आज स्कूल में बहुत लेट हो जाऊंगा, मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ देर और ऐसी बारिश रही तो मैं कमर तक भीग जाऊंगा। फिर मेरा स्कूल ड्रेस भीग गया तो टीचर भी वैसे ही क्लास में नहीं आने देगी। क्या करूं, क्या करूं? उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त गुजर गया है। उसे भूख लगती है, वो अपना पेट पकड़ता है। उसे जोरों की भूख लग जाती है। सोचता है पता नहीं कब बारिश बंद हो, क्यों ना तब तक अपने स्कूल का टिफिन खा लूं। और वो अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालता है। उसमें रोटी और बुक्का किया हुआ प्याज है। तभी उसे पानी में नीचे छप छप की आवाज आती है। वो देखता है तो एक साधु चलता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। चुन्नू उसे देखता है, फिर अपने भूख का एहसास करके रोटी प्याज के साथ खाने लगता है। साधु उसे खाता हुआ देखता है। चुन्नू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधु उसे खाता हुआ देख रहा है। वो तीसरा निवाला खाता है तब भी साधु उसे देख रहा है। साधु उसे देख रहा है, ये देख चुन्नू कहता है, बाबा खाओगे? दो निवाले खिला दोगे तो भला हो जाएगा बच्चा। आज वर्षा की वजह से भिक्षा नहीं मिल पाई है। दो निवाले क्या बाबा, दो रोटी खा सकते हो, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है, सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है। जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे। लीजिए।
किंतु तुम इस वृक्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे? स्कूल जा रहा था बाबा, बारिश तेज हो रही है, पेड़ के घने पत्तों में बचने के लिए यहाँ बैठ गया। छाता नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, बापू से कहा था लेकर दे दो, वो थोड़ा लेकर दे देंगे। ये लो बच्चा, मेरे पास एक छाता है, तुम ले लो। कमाल है बाबा, छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए। हम साधुओं को छाते की क्या जरूरत, हम साधुओं को छाते का क्या काम, ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो, हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं। वाह, आत्मा तृप्त हो गई बच्चा, जाओ खुश रहो। कहता हुआ साधु वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चुन्नू भी पेड़ से उतरता है और छतरी खोलता हुआ स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छतरी लिए आया देख चौंक जाते हैं। अरे चुन्नू, आज छतरी होकर भी तुम लेट हो गए, अब तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। कल से लेट नहीं होऊंगा टीचर जी, अभी अभी छतरी मिली है मुझे। जरूर कहीं से चुराया होगा गप्पू। सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है, आंधी सी, और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सारे बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। दो तीन बच्चों के पास छतरी नहीं है। ये देख गप्पू एंड फ्रेंड्स अपनी अपनी छतरी खोलते हुए उनकी ओर देखकर हंसते हैं। तभी चुन्नू आता हुआ अपनी छतरी खोलता है और उन दो तीन बच्चों से कहता है, आ जाओ तुम तीनों भी आ जाओ। अरे हम तीनों इतनी सी छतरी में कैसे आ सकते हैं? अरे पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है कुछ कुछ बच जाना। आओ देखो बच रहे हैं ना हम चारों। हाँ यार, तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। इनकी छतरी कौवा बन गई। गप्पू आ जाओ मेरी छतरी में आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। नहीं नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारी छतरी में। तुम्हारी छतरी में? ए हटो, उसने मुझे बुलाया था। और गप्पू अपने ही दोस्तों को धक्का देकर चुन्नू की छतरी के नीचे घुस जाता है। जैसे ही वो छतरी में घुसता है, छतरी फिर कुछ बड़ी हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी आकर उसकी छतरी में घुस जाते हैं, तो छतरी और भी बड़ी हो जाती है। सभी उसके नीचे सुरक्षित आ जाते हैं। सभी गांव की ओर चल देते हैं। अब रास्ते में एक एक करके कई लोग मिलते हैं, वे भी चुन्नू की छतरी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे चुन्नू चुन्नू नहीं कृष्ण भगवान है, जो गोवर्धन पर्वत उठाए उनके साथ चले जा रहे हैं। जमींदार साहब, आप यहाँ? हमें बुला लिया होता, कुछ काम। हमने सुना है तुम्हारे बेटे के पास इतनी बड़ी छतरी है कि पूरा गांव उसके नीचे बारिश से बचता हुआ आ गया। नहीं तो ये देखिए, ये तो बहुत छोटी सी छतरी है, एक बच्चे को बचाने के बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा है ना छोटी ही छतरी, पर मैंने तो देखा था। जमींदार साहब, हमें भी भीगने से बचा लो। अरे ये छतरी तो बड़ी होती जा रही है। देखा, मैंने कहा था ना। चुन्नू बेटा, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? ये मुझे आज एक साधु बाबा ने दी थी। ओ, तभी ये जादुई छतरी है, इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। कैसे जमींदार साहब? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं ये उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। हम अपने गांव और तालाब के बीच चुन्नू को ये छतरी लेकर खड़ा कर देंगे, फिर उसके नीचे चुन्नू के एक तरफ तालाब तक, दूसरी तरफ नहर तक गांव वाले खड़े कर देंगे। उन्हें पानी से बचने के लिए छतरी तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी, फिर जो भी बारिश का पानी गिरेगा तालाब और नदी में गिरेगा, पूरे साल भर की पानी की समस्या हल हो जाएगी। और
पर जमींदार के कहने पर चुन्नू ने वैसा ही किया और सचमुच बारिश का पानी छतरी पर से होता हुआ एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा। फिर तो ये सिलसिला रोज चलने लगा। जब भी बारिश होती नहर और तालाब ही नहीं भर जाते बल्कि उन खेतों को भी ज्यादा बारिश से बचा लिया जाता जिनका अधिक बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। फिर तो पूरे गांव में चुन्नू की वाहवाही हो जाती है। बेटा, इतने सालों से तुम एक छतरी के लिए तरस रहे थे, अब देखो तुम्हें ऐसी छतरी मिली है कि तुम हमारी ही नहीं पूरे गांव की रक्षा कर रहे हो। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था बापू, सबर का फल हमेशा मीठा होता है।